तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एक्सपर्ट अली। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड करेक्शन कराना हो या नया आधार कार्ड लेना हो या कुछ आप आधार कार्ड के अंदर चेंजेस करना है या अपडेट कराना हो तो आप कैसे घर बैठे अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और आप आधार कार्ड सेंटर पर जाके अपना नया आधार कार्ड ले सकते हो या अपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी चेंजेस करा सकते हो। तो वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको सब कुछ आज ए टू जेड बताने वाला हूँ और मैं करके लाइव दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, अपॉइंटमेंट बुक करने का बहुत बेनिफिट है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो आपका काम सबसे पहले आधार कार्ड सेंटर पे सबसे पहले होगा। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करके नहीं जाते हो, अगर आप ऐसे ही आधार कार्ड सेंटर पे चले जाते हो तो आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका मे बी कि आपका काम उस दिन न हो, अगले दिन के लिए वो आपको बोले। तो अगर आप यहाँ से अपॉइंटमेंट या स्लॉट बुक करके जाओगे तो आपको स्लॉट जैसे बुक करोगे तो उसमें टाइम मिलता है, इस टाइम पे आपको इतने बजे वहाँ पे जाना होता है और आपको वहाँ पे क्या है कि एक टोकन मिलेगा या आपको जो भी चार्जेस होगा या आप ये ऑनलाइन पे कर सकते हो या फिर वहाँ पे जाके दे सकते हो। तो वो सारे कुछ इस वीडियो में आपको डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी या लैपटॉप में क्रोमो ब्राउजर को ओपन करना होगा। जैसे क्रोमो ब्राउजर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो UIDAI, इस पर टाइप करके एंटर मारोगे फ्रेंड तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो इस वाले फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा आधार कार्ड सेंटर का है उस पर लेके जाएगा। तो क्या है कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो बहुत ही सिंपल है इजी अपने अपॉइंटमेंट को बुक करना। तो यहाँ पे सिंपली माय आधार पे क्लिक करोगे और बुक इन अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दोगे तो क्या कि यहाँ पे आपको अपना जो सिटी है उसको सिलेक्ट करना होगा, जिस सिटी में आप रह रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल से ये जो आपको दिख रहा है सिलेक्ट सिटी पे आप करोगे तो अभी जो कि मैं जिस शहर में हूँ उस शहर का नियर बाय जो हमारा आधार सेवा केंद्र है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड टू बुक इन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे हम फिल करेंगे, डाल दिया फ्रेंड तो गेट OTP पे करेंगे तो OTP जो कि सेंड हो जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पे। तो उस OTP को फ्रेंड हम इसमें डालेंगे। तो जैसे OTP डाल देंगे फ्रेंड तो यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे जो कि हमारा है, OTP यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि जो ये पेज खुल के आया है तो यहाँ पे मेंबर वन जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे देख सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आपका न्यू आधार कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड के अंदर कुछ चेंजेस कराने हैं। तो अगर आपको जो कुछ भी चेंजेस कराना है तो वो चीज़ यहाँ पे करके आप यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दोगे। अभी क्या कि मैं करेक्शन कराना है तो उस चीज़ के लिए मैं सिलेक्ट कराऊँ अपडेट एग्जिस्टिंग आधार डिटेल्स। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो आपका है वो डाल दोगे और जो आपका आधार कार्ड पे नेम है वो नेम यहाँ पे डाल दोगे। तो अगर आपको आधार कार्ड में करेक्शन कराना है जब जाके ये सारी प्रोसेस फॉलो करोगे, अदरवाइज न्यू आधार कार्ड बनवाना है तो आपको न्यू आधार कार्ड पे सेलेक्ट करना होगा। अभी क्या कि मेरे को करेक्शन कराना है तो इसमें क्या कि मैं ये सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। वैसे आप भी अपना करेक्शन करा सकते हो। तो अभी मेरे को जो नेम है और मोबाइल नंबर है उसको अपडेट कराना है फ्रेंड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देना है। जो नेम है वो नेम यहाँ पर डाल दोगे जो आपका एक्चुअल नेम है। अगर कोई दिक्कत है और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना हो, जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे फ्रेंड, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। तो ये मोबाइल नंबर जैसे इस पर डाल दोगे फ्रेंड तो यहाँ पे लिख रहा है टोटल अमाउंट टू बी पेड 50 रुपये जो कि इंक्लूडेड GST है। तो अभी इसको मैं क्या करना है कि इस पर प्रीव्यू करना है फ्रेंड। जैसे प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे सारा आपका जो डिटेल है वो कन्फर्मेशन करने के लिए दिखा रहा है। तो अभी जो कि जो मेरा डिटेल है वो सारा सब कुछ ओके है तो मैं इस पर कन्फर्म कर दूंगा फ्रेंड। जैसे कन्फर्म करूंगा तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट डिटेल है वो कुछ इस पर देना होगा आपको। तो क्या कि जिस स्टेट में आप हो वहाँ को सिलेक्ट कर लोगे। अभी मैं दिल्ली का हूँ तो जिस सिटी में है उस सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा ब्रांच जो हमारे नियर बाई है, जैसे अभी मेरे नियर बाई जो ASK दिल्ली है ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट आप दो मेथड से कर सकते हो, कैश कर सकते हो या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। कैश जब होगा जब आप वहाँ पे जाओगे आधार कार्ड सेवा केंद्र पे तो वहाँ से कर सकते हो, या ऑनलाइन आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो अभी क्या कि ये जो सेलेक्ट अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दिखा रहा है फ्रेंड तो यहाँ पे एक्चुअली क्या कि मुझे ये आज के डेट में जो स्लॉट खाली है 4 बजे के दिखा रहा है, 4:15 का दिखा रहा है। अभी मेरे को आज नहीं जाना है, कल जाना है। तो 22 तारीख पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर दोबारा से खुल के जो पेज है वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग होने में।
तो अभी यहाँ कल के डेट में जैसे 9:30 का यहाँ पे शो कर रहा है, तो 9:30 का ये हमारा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए आ गया है, जो कि नवंबर 2, 2021 ये जो 22 दिखा रहे हो, 9:30 हमें वहाँ पे जाना होगा। और ये जो हमारा आस्क सेंटर मैप है वो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये जो डिटेल है इसको आप चाहे तो अपने गूगल मैप में भी डाल के यहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो उस एड्रेस पे। तो अभी यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट करूँगा मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ फ्रेंड, क्या है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है आस्क टू। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ जो आधार कार्ड का गवर्नमेंट ऑफ जो ऑफिशियल वेबसाइट ये लिख दिया यहाँ पे योर अपॉइंटमेंट फिक्स्ड, तो ओके पे क्लिक कर देंगे, जो कि हमारा अपॉइंटमेंट है वो फिक्स्ड हो गया। तो जो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्नॉलेजमेंट में ये लिख रहा है रेसिडेंट अपॉइंटमेंट डिटेल, तो यहाँ पे क्या कि रेसिडेंस नेम जो हमारा है वो डाल दिया, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम, सेंटर एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से क्या कि आप चाहे तो इसको प्रिंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो, चाहे तो इसको प्रिंट करके स्लिप को रख सकते हो, और ये लेके वहाँ पे जाना होता है, जो स्लिप हम यहाँ से प्रिंट निकालेंगे स्लिप को। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन दिया है, प्लीज़ रीच 15 मिनट अर्ली एट आधार सेवा केंद्र, कैरी प्रिंटेड कॉपी दिस एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 15 मिनट पहले जाना है और ये जो कॉपी है इसको लेके जाना है प्रिंट आउट निकलवा के। और ये दे रहा है कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, जैसे हमने फॉर्म भरा है तो जो उसमें डॉक्यूमेंट हमने लगाया है, जैसे पैन कार्ड लगाया, तो पैन कार्ड का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे लेके जाना है, जब जाके वहाँ पे हम करेक्शन करा सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो में किसी तरह के डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड ये वीडियो कैसी, ताकि मैं आगे इससे भी इस तरह की वीडियो अच्छी से अच्छी बना सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना, तो फ्रेंड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।